हेलो गाइस, मेरी फुल वीडियो में आप लोग का स्वागत है। चलिए आज सहजन, बैंगन और टमाटर की सब्ज़ी बनाते हैं जो बहुत ही टेस्टी होती है। बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग कट कर लेंगे। देखिए बहुत आसानी से छिला जाता है इस तरह से। जितना बड़ा आपको चाहिए उतना आप इसको बड़े बड़े छोटे छोटे जैसा आपको पसंद है उस हिसाब से इसको कट कर लीजिए। यहाँ पे हम सारे छील लेंगे। यहाँ देखिए मैंने सब सारे छील लिए हैं और टमाटर भी काट लिए हैं। यहाँ पे धनिया पत्ता और ये बैंगन भी कट करके रख लिए हैं। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है और सारी सहजन को इसमें डाल देंगे उबालने के लिए। थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको 5 से 10 मिनट उबालेंगे। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा हल्का सा उबाल देंगे, इससे जल्दी हो जाता है। यहाँ पे हम लोग गैस चालू कर लेते हैं और कढ़ाई को रख देंगे। कढ़ाई गर्म हो रही है। यहाँ कढ़ाई गर्म हो गई, इसमें हम लोग तेल डाल देंगे 2 बड़े चम्मच। यहाँ पे तेल गर्म हो गया, हम लोग ये मेथी का फ़ौरन डाल देंगे। फ़ौरन तो जल गया अच्छी तरह से, तो हम लोग यहीं पर ये बैंगन डाल देंगे। इसको हम लोग भून लेंगे अच्छी तरह से। इसको 5 मिनट भूनेंगे, फिर इसको ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। जब तक सब्ज़ी भून रही है तब तक हम ये सारे मसाले रेडी कर लेंगे। थोड़ा सा धनिया है, जीरा, लहसुन मिर्च और काली मिर्च, और आप चाहें तो हल्का सा इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। चलिए इसको पीस लेते हैं। अब हम लोग इसको खोल के चेक कर लेते हैं। ये अच्छी तरह से भून गया है। यहीं पर जो मसाला मैंने पीसा था वो सारा इसमें डाल देंगे। हल्दी ऐड कर देंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च, ये तीखी वाली नहीं है, आप चाहें तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। अभी ना इसको भी हम लोग अच्छी तरह से भून लेंगे। दो मिनट के लिए और ढक देंगे। चलिए 2 मिनट हो गया, खोलते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। देखिए बहुत अच्छी तरह से भून गया है। अब यहीं पर 2 टमाटर जो कटा हुआ था उसको भी डाल देंगे और इसको भी हम लोग अच्छी तरह से चलाएंगे। इससे क्या होता है ना कि ग्रेवी बहुत अच्छी होती है। आप आलू डालना चाहें तो डाल सकते हैं। भून लेंगे हम लोग। मैंने आज आलू नहीं डाला है। यहीं पर हम लोग नमक भी ऐड कर देंगे, आपके स्वाद के अनुसार लीजिएगा। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। यहीं पे हम लोग थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे। धनिया पत्ता बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा फ्लेवर अच्छा आता है। अब इसको अच्छी तरह से हम लोग भून लेंगे। देखिए पूरा अच्छी तरह से गल गया है। अब यहीं पे हम लोग थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल देते हैं। आपको जितनी ग्रेवी गाढ़ी रखनी है आप उतना ही पानी डालिएगा हिसाब से। मैंने यहाँ पे 1 गिलास ले लिया है। अब इसको हम लोग 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से उबाल आने देंगे और ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसको फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए एक अच्छा उबाल आ गया है इसके अंदर। अब यहीं पर जो हमने सहजन उबाल के रखा था इसको भी ऐड कर देंगे। अभी 5 मिनट और हो जाए तो ये रेडी है। ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। चलिए खोल के देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा सा हो गया है। ग्रेवी भी बहुत गाढ़ी हो गई है। अब इसको हम लोग दूसरे बाउल में सर्व कर लेते हैं। ये हो चुका है। देखिए हम लोग सर्व कर लेते हैं। देखिए बहुत टेस्टी हुआ है, आप लोग भी बनाकर ट्राई करिएगा। यहीं पे हम लोग धनिया पत्ता भी डाल देते हैं थोड़ा सा। इसको चावल से भी सर्व कर सकते हैं।
बनाइए और खाइए, देखिए बहुत टेस्टी सब्ज़ी है। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और पसंद आए तो शेयर भी करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। आई होप कि मेरी रेसिपी आप लोग को पसंद आई होगी, देख सकते हैं बहुत टेस्टी है। ओके बाय गाइस।